चर्चित नीलेश मुखिया हत्याकांड का आज एक साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मेरे साथ उनकी पत्नी जो है यहाँ के वार्ड पार्षद सुचित्रा देवी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर एक साल के बाद भी पुलिस जो है उनकी अपराध जो भी हत्या जो उनकी हुई थी उसमें जो सम्मिलित अपराधी थे उनको अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, क्या कुछ ये कह रही हैं? अभी तक जो अपराधी है वो नहीं पकड़ा गया है, क्या कहिए? पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी इसमें नज़र आती है, क्योंकि चूँकि ये लोग इतने बड़े भी स्तर के नहीं हैं कि इनको पकड़ा ना जा सके। उनके साथ साथ लोगों को पकड़ के ले आते हैं, लेकिन इन लोगों तक पुलिस पहुंचती ही नहीं, तो उसमें भी कुछ गूढ़ रहस्य है जो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो लोग भी बोलते हैं, हमारे वार्ड के सदस्य भी जो लोग हैं वो हमसे आके बोलते हैं ऐसा कि नहीं, कुछ तो किया है, पैसा दे रहा है इसलिए बच रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको भी सत्यापन लगता है इस बात का। अच्छा, आज 31 जुलाई है, आज ही के दिन जो है यही, चूँकि यही ऑफिस के सामने मुखिया जी जो है वो निकले थे और जो अपराधी थे घात लगाए हुए थे और ताबड़तोड़ 7 गोलियां उन्हें मारी गई थी, उन सड़क पर ही उनकी हत्या कर दी गई थी। आज साल बीत चुका है, फिर भी अभी तक कई अपराधी जो है वो बाहर है। हाँ, बिल्कुल बाहर है। ये हमारे यहाँ का समझिए कि बिहार एक तरीका से गर्त में जा रहा है और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनके बिहार में क्या हो रहा है, उनको कौन सा फैसला लेना चाहिए कि ये सब रुके। यहाँ पर आए दिन हत्याएं होती हैं, इसका जवाब है किसी के पास? जब एक लोकप्रिय नेता, एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों के लिए इतने बड़े मददगार व्यक्ति थे, उनका जान ले लिया, इतने लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, अगर पुराना वीडियो निकाला जाए तो लोगों का गुस्सा देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ गलत, उस समय हमने सिर्फ इनका जो है अंतिम क्रियाक्रम जो होता है उस पर ध्यान दिया। लोग तो इतने आक्रोश में थे कि अगर छूट अगर दे दिया जाता उनको तो उस दिन तो उसके घर में आग लगना ही लगना था। लेकिन उस पर से भी हम लोगों ने आत्मीयता दिखाई कि बोला गया ठीक है हम लोग आक्रोश में हैं, लेकिन कुछ ऐसा ना करें कि क्षति किसी को भी क्षति पहुंचे। लेकिन हमारी तो जो क्षति हुई उसकी तो भरपाई कभी नहीं हो सकती है। अभी कई अपराधी जो हैं वो बाहर, बिल्कुल बाहर है, 7-8 लोग बाहर हैं। और ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है कि आप यहाँ के सुरक्षा को संभालने, कमान संभालने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपके होते हुए भी इतनी हत्याएं होती हैं कि जिसका कोई गिनती नहीं है कहीं पर। और ये कोई ऐसा नहीं है, नीलेश मुखिया जी की जब हत्या हुई थी तो लगातार हत्याएं हुई थी, आप लोग के पास इसका रिकॉर्ड भी होगा। उस पर क्या बोलेगी यह सरकार? और सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी तो देखना ही नहीं चाहते कि उनके बिहार में हो क्या रहा है। अच्छा, आप अपने कार्यालय के बाहर जो है एक पोस्टर लगाए हैं जिसमें कई अपराधी की इतिहास है, वो किसका है? वो पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय का, इन तीनों क्रिमिनल्स का है। ये लोग इन सारी हत्याओं में शामिल थे और इस बात का पता इस पूरे क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बुजुर्ग हैं, पहले के लोग, सबको पता है कि इसने ये हत्याएं की हैं। मजबूर, गरीब, लाचार, ऐसा नहीं है कि ये लोग ये सब करके बैठ गया। अभी भी बाहर से आता है तो सताता है लोगों को, खौफ दिखा के रखता है। और लोगों में ये भी हो चुका है कि भाई अब नीलेश मुखिया थे तो किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि गरीब लाचार हर किसी के लिए लड़ने के लिए आगे रहते थे। लेकिन जब वो ही नहीं है तो कहीं ना कहीं जनता भी अपने आप को महफूज नहीं समझती। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मेरा बस यही मांग है कि हम मुझे अपना न्याय चाहिए, हम अपना न्याय लेकर ही रहेंगे। और हम जब कानून के सहारे अभी बैठे हैं तो कानून का ये कर्तव्य बनता है कि एक ऐसे व्यक्ति जो इतने दिलों पर राज करता था, उस व्यक्ति के लिए कम से कम, ये इतनी बड़ी घटना थी, हमारे कार्यालय के बाहर इनको 7 गोलियां मार दी गई, ये क्या है? ये अपराधियों का एक तरीका से वर्चस्व दिखाना हुआ और पुलिस अपने हाथ पर हाथ धर के चुपचाप से मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। और हमको सिर्फ संतावना ही मिलते रहा आज तक कि हम लोग उन तक पहुंच जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमको आज तक यही रिजल्ट मिला कि ये लोग अभी तक पुलिस से बाहर हैं। तो बिल्कुल, ये नीलेश मुखिया की पत्नी हैं और जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज भी उन्हें कानून पे भरोसा है और उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग किया है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए गिरफ्तार जो अपराधी हैं, जो उनकी हत्या में जो लोग शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी जो है जल्द से जल्द किया जाए। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप में, चंदन तिवारी पटना।